अजीब वाह भाई, जोधपुर में सबसे फेमस भाटी दाल भाटी भोजनालय पे आज हम आ चुके हैं। और यहाँ पे जो है बाटियां जो है बहुत एकदम उपलो पे बनाई जाती है एकदम शानदार तरीके से। नमस्कार भैया, क्या नाम है आपका? दिनेश भाटी। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बाटियां रखी हुई है बहुत सारी, क्या क्या राख किस चीज की है? ये गाय का गोबर है, उसकी कंडे बोल दो, उपले या कुछ भी बोल दो इसको। अच्छा, पहले उनको गर्म करते हो? पहले वो अंगारों को जलाते हैं। हाँ हाँ, अंगारे बनने के बाद उसको पैक किया जाता है। अच्छा, अंगारे बनने के बाद भाई आप देखेंगे यहाँ पे बॉल जो आपको दिख रही है ये सारी बाटियां हैं। जरा दिखाएंगे कैसे क्या करते हैं इसमें। ये देखिए भाई, गर्मा गर्म है एकदम। अच्छा, जब कस्टमर आता है जब ही निकालते हो? हाँ, वैसे यार भाई साहब ये देखिए, और ये साफ हो गई है, ये चेक एकदम क्लियर। चेक करो भाई, सिक चुकी है ये बढ़िया से। बिल्कुल, ये बाटी होती किस चीज की है वैसे? लाल गेहूँ। लाल गेहूँ की भाई बाटी है ये, नॉर्मल नहीं है जो हर जगह मिलती है। ये गेहूँ महंगा आता है, 60 रुपए के जी है। हाँ, आपकी स्पेशल है मतलब। तो भाई ये जो बाटियां है ना कुछ स्पेशल है, और करीब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कितनी 200-300 बाटी तो होंगी, 600 के करीब बाटी है। तो पूरा दिन बेचते हो? हाँ, सुबह 10 से रात को 9:30 बजे तक। सुबह 10 से रात को 9:30 बजे तक कंटिन्यू भाई। अब ये इसमें जब कस्टमर आएगा जब ही निकालोगे? वैसे इसमें गर्म सिकती रहेगी? हाँ, बस सिकी हुई है, गर्म ही निकलेगी जब भी निकालो। जब भी निकालो गर्म ही निकलेगी, 6-7 घंटे तक गर्म रहती है इसके अंदर। अच्छा, तो भाई अगर आपको दिख रहा हो तो ये पूरा जो राख है ना ये उपलो की राख है, एकदम गर्मा गर्म इसमें मामला सेट है। भाई ये देखिए गर्मा गर्म बाटियां जो है निकल के आ रही हैं, शानदार एकदम पाइपिंग हॉट है गर्मा गर्म। और इसमें भैया कितने घंटे तक गर्म रहती है? अरे 5-6 घंटे कंटिन्यू गर्म ही निकलेगी। 5-6 घंटे जब निकालो जब गर्म ही निकलेगी, जब निकालो भाई जब गर्म निकलेगी। ये देखिए बहुत शानदार जबरदस्त। ये देखिए भाई पूरी जो है राख को बढ़िया से इसको साफ कर रहे हैं। ये देखिए भाई राख ही राख है, पूरी बाटी साफ करके देते हैं आपको। और भैया जैसे खाने में थोड़ी बहुत राख अगर रह जाए तो नुकसान तो नहीं है इसका? कोई नुकसान नहीं है, पूरी कोई नुकसान नहीं है ना? वैसे तो रहती नहीं है, बाकी भाई साहब रह भी रहा है। हाँ हाँ, पानी फिल्टर करने के लिए लेते हैं। राख को? अच्छा, पानी फिल्टर करने के लिए। वाह जी, दिखाता हूँ मैं आगे क्या होता है, दाल क्या कौन सी है? ये दाल तैयार है बिल्कुल। अजीब वाह, ये चने की दाल है? चना और मूंग मिक्स है ये देखो दोनों। चना और मूंग मिक्स है भाई, बहुत शानदार। तो ये दाल वगैरह क्या मतलब पकती रहती है? अब ये जैसे खत्म हो गया जब तक इसी के ऊपर चलती रहेगी, पकती रहेगी ये, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा गाड़ी होती जाती है। और ये भी देख रहा हूँ मैं, ये भी अंगारों पे ही बनती है, गैस का काम ही नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई काम, देसी स्टाइल एकदम। क्या लहसुन का, क्या बात है भाई, ये है लहसुन की चटनी। अजी वाह वाह वाह, क्या बात है, प्योर लहसुन और कुछ भी डलता है? नहीं, मिर्ची पाउडर, लहसुन, गर्म मसाला। मिर्ची पाउडर, लहसुन और गर्म मसाला, ये तीन चीजें रहती है। ये इस किसमें क्या है? इसमें ये तो दाल ही है। अच्छा, दाल ही है। तो ये दाल कितनी होगी, लगभग कितने लीटर होगी? 150 लीटर होगी। 150 लीटर? अजीब वाह, शाम को वापस बनेगी। फेमस हो पूरे जोधपुर में आपके नाम से, मैंने सुना है नकली भी खोल ली है लोगों ने। खोलना तो अपने क्या फर्क पड़ता है, आप ओरिजिनल ओरिजिनल मैं बता दूं भाई, यही है भाटी दाल बाटी भोजनालय BSNL ऑफिस के सामने, ओरिजिनल यही है भाई। ये दाल चेक करो आप, इसमें हल्दी वगैरह डाली हुई है, उसका रंग है मिर्ची पाउडर। अजीब वाह, मसाला, हींग सब है। ये देखिए भाई कितनी बड़ी बर्तन में जो दाल बन रही है शानदार तरीके से। तो एक प्लेट लगा के दिखाएं कैसे लगाते हो आप प्लेट? तो घी पे डालते हो गए? हाँ ठीक है। तो भाई ये देखिए प्लेट लगने जा रही है, सबसे पहले जो है भाई इसमें डाली जाती है, ये देखिए भाई दाल शानदार। और एक प्लेट में दो बाटी आती है? हाँ जी। ये क्या? ये लहसुन का चटनी। अच्छा, दाल में ही डाल के देते हो? वाह जी वाह, जिससे दाल का और स्वाद बढ़ जाए। और भाई यहाँ आ चुके हैं हम, ये देखिए भाई प्याज आ गई अपनी, नींबू आ गया, और बाटी किसमें, घी में डालते हो? नहीं, इसको क्रश करके घी इसके के ऊपर डालेंगे। अच्छा, क्रश करके डालोगे भाई, ये देखो तरीका एकदम अलग है भाई, क्रश करके जो है घी में डालेंगे। गर्मा गर्म धुआं निकल रहा है, पास से दिखाऊं अगर मैं आपको, तो चेक करो ऊपर से घी डाला जाएगा भाई, ये देखो। तो घी की फिक्स क्वांटिटी है, कितना डालते हो?
20 ग्राम 50 वो ग्राहक के ऊपर है जितना चाहिए। अच्छा तो कितने रुपए लेते हो एक्स्ट्रा फिर? ठीक है 15 रुपए 20 ग्राम के, 50 ग्राम 30 रुपए। अच्छा जितना मर्जी डलवा लो। हाँ, वो ग्राहक के ऊपर है, जितना खा पाओ उतना डलवा लो। तो भाई ये प्लेट जो चूरमा भी रखते हैं? हाँ जी। वो लड्डू है या चूरमा? चूरमा दोनों होता है भाई। चूरमे के लड्डू जो है इन्होंने यहाँ बना के रखे हुए हैं, दिखाओगे एक बार हाथ में? ये है भाई चूरमे का लड्डू। ये किस चीज का होता है? ये इसी बाटी को ग्राइंड करके बनाया जाता है। अच्छा सेम यही बाटी, मतलब ये भी लाल गेहूं का ही है? हाँ, तो बहुत बढ़िया। तो भाई यहाँ पे काफी कस्टमर्स भी खा रहे हैं, कैसा लग रहा है अंकल आपको? टॉप है एकदम टॉप है और फेमस है यहाँ। फेमस आप जोधपुर से ही है? जोधपुर से। तो आपको काफी सालों से खा रहे हैं? काफी सालों से, मतलब नाश्ता सुबह यहाँ बढ़िया हो जाता है एक बार? बिल्कुल नाश्ता पूरा दिन का, कभी भी आ जाओ, लंच हो जाता है लंच। अच्छा आप भूख ही नहीं लगेगी? बिल्कुल। बहुत शानदार, थैंक यू। तो भाई ये इनकी, इसका क्या, इसका अलग चार्ज है? 40 रुपए पर पीस है एक पीस। ये भी घी में बनता है? प्योर देसी घी के अंदर। अच्छा भाई ये देखिए, ये अपनी जो है थाली जो है तैयार हो रही है। ये आ गया जी अपना चूरमा, चूरमे का लड्डू या अच्छा इतना बड़ा पापड़ और ये छाछ। ये पूरा सेट कितने का देते हो? करीब ये पड़ जाएगा करीब 170 रुपए का। 170 रुपए का छाछ कितने की है वैसे? 20 रुपए की छाछ, 10 का पापड़, 40 के लड्डू, 70 की बाटी हो गई, 30 का घी आ गया। 30 का घी आ गया। तो भाई दाल बाटी हम टेस्ट करेंगे और आपको भी बताएंगे। तो यहाँ पे जो अपनी थाली आ चुकी है, थाली हमने ले लिया, आप देखिए इन्होंने घी वगैरह बाटी है, देख रहे हो आप, पूरा घी में लथपथ बाटी है। घी के साथ रूखी? अच्छा वो बोल रहे हैं कि बाटी को पहले घी के साथ ही खाते देखो, घी के साथ भी खाके देखो, ये बहुत टेस्टफुल लगेगा, अलग से ही टेस्ट आएगा, चबा जरा और मिठास आएगी। जैसे इन्होंने बताया घी के साथ खाओगे ना मिठास आएगी, बिल्कुल बिना दाल के ही ये टेस्टी लग रही है, मीठा मीठा एकदम बढ़िया, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत मीठा हो, स्वीटनेस जो हल्की हल्की होती है माइल्ड माइल्ड सी वो आ रही है। अब यहाँ आ जाते हैं दाल, साथ में इन्होंने ये जो लहसुन वाली चटनी है ये एक्स्ट्रा दे दी है कि जितना स्पाइस करना चाहो उतना अपनी दाल में डाल लो और उतनी स्पाइसी कर लो। तो अब यहाँ पे देखिए दाल डालेंगे और मैंने सुना है इसको ना हाथ से ही खाया जाता है, पहली बार खा रहा हूँ हाथ से। काफ़ी टेस्टी है, घी का बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है क्योंकि जैसा सब कुछ बताया इन्होंने प्योर है एकदम। अच्छा तो ये डाला भाई नींबू, इस तरीके से इसको खाना है। बहुत शानदार। आपको अगर ये दाल बाटी खानी हो तो भाटी दाल बाटी चूरमा पे आए और इसका एंजॉय करें। लाल गेहूं की बाटी है, नॉर्मल नहीं है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय।